Good morning students, welcome to the online classes of Nirasthan Public School. I am here in front of you with lecture number 3, book Behave, chapter 1, The Fun They Had. In our last lecture we have completed the 8th part of the chapter. Today we will start with the 9th part of the chapter first. So I hope you have purchased your books till the date, and same as made your copies. 9th part of the chapter. Maybe he said nonchalantly, hard meaning, the hard words दे रखा है आगे, आप चेक कर सकते हैं. Not showing much interest, मतलब बेरुखी से. एक बार लिख देता हूँ. बेरुखी से. As I hope you have took out your pencils. So with me, underline the hard words as well as. Maybe he said nonchalantly. वह बेरुखी से कहती है कि हो सकता है शायद ऐसा हो जाए. बेरुखी से कहता है, sorry. He walk away whistling. वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से निकल जाता है. The dusty old book, जो dusty मतलब जो गंदी सी, जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, और जो ओल्ड बुक मतलब जो पुरानी सी बुक है, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, कहाँ छुपा के रखती है, कहाँ रख लेती है, अपनी आर्म के नीचे इस तरीके से, और वहाँ से चली जाती है, चला जाता है. सॉरी, टॉमी की बात हो रही है. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी कहाँ जाती है, स्कूल रूम में चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में ही था. एंड और द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, अब मैकेनिकल टीचर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है. दैट मीन्स वो स्क्रीन स्कूल रूम में आ जाते हैं, क्लास रूम में, और मैकेनिकल जो टीचर है उसकी जो स्क्रीन है उस पर वो आ जाता है. दैट मीन्स जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अभी मैं आ रहा हूँ, सेम एज वो जो मैकेनिकल टीचर है उनकी स्क्रीन पर ऑन हो जाता है. दैट मीन्स आ जाता है पढ़ाने के लिए. इट हैज़ ऑलवेज एंड और सॉरी वेटिंग फॉर हर, और उनकी ही और उसी की इंतज़ार कर रहा था. कौन इंतज़ार कर रहा था, मैकेनिकल टीचर. टू होम, मार्गी, मार्गी की इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे, इट वॉज ऑलवेज, ये हमेशा ही ऑन एट द सेम टाइम इसी समय पर चालू होती थी क्लासेस, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, मतलब सैटरडे और संडे के अलावा सेम टाइम पर सेम क्लास चालू होती थी, एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा, सैटरडे और संडे के अलावा सेम टाइम पर मैकेनिकल टीचर की क्लास स्टार्ट होती थी. टर्न ऑफ द पेज. बिकॉज या बिकॉज क्योंकि हर मदर, उसकी जो माता है, सैड कहती है, लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियाँ, लर्न, सीखती हैं बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से. इफ़ यदि दे लर्न, यदि वो सीखती हैं, एट रेगुलर आर्स, नियमित रूप से, यदि वो नियमित रूप से, रेगुलर आर्स दैट मीन्स डेली डेली, आप अगर दो दो तीन तीन घंटे जो आप या सिक्स सिक्स आवर्स का या फोर आवर्स का जो टाइम टेबल सेट करते हैं स्टडी के लिए, और आपके बाकी के वर्क के लिए आप टाइम टेबल डिसाइड करते हैं कि मेरे को इतने घंटे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस अकॉर्डिंग जब आपका टाइम टेबल सेट होता है तो वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है छोटे बच्चों को क्या करने में, लर्न बेटर, दैट मीन्स बहुत ही अच्छे से समझने में ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप, यहाँ पर जो लिट अप है, लिट अप का मतलब था जलाना. अब यहाँ पे जो स्क्रीन है वो जलती नहीं है, स्क्रीन क्या होती है, ऑन होती है, स्क्रीन पे रोशनी आती है, रेज आती है, तो स्क्रीन क्या होती है, ऑन होती है. तो जो स्क्रीन है वॉज लिट अप, दैट मीन्स जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है. एंड और इट सैड, और ये कहता है, टुडेज आर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. स्क्रीन पर एक वॉइस है, एक
आवाज़ आई है और स्क्रीन क्या कह रही है कि आज हमारा अर्थमेटिक लेसन, दैट मीन्स अंक गणित, अर्थमेटिक का क्या है एक लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और लेसन किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिशन करने का, हाउ टू ऐड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका क्या है एक लेसन, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अभी जो क्लासरूम है और जो कंप्यूटर है और उसकी जो स्क्रीन है, उस कंप्यूटर के अंदर जो CPU या जो भी सिस्टम लगे हुए हैं, उन सिस्टम्स में आपको आपके जो होमवर्क होते हैं, जो यस्टरडे के होमवर्क होते हैं, सॉरी, वो आपको क्या करने होते हैं, पुट करने होते हैं, ताकि जो टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, उनको क्या कर सके, चेक कर सके। द रोबोटिक टीचर द होमवर्क विच इज़ गिवन टू यू ऑन यस्टरडे यू हैव टू पुट इट इन द स्लॉट। जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में आपको क्या करना है, पुट करना होता है। सो क्या हो सके उससे, ताकि जो रोबोटिक टीचर है उसे क्या कर सके, चेक कर सके। सेम नेक्स्ट 10th मार्गी डिड सो विद अ शाई। मार्गी ऐसा ही करती है लेकिन थोड़े सकुचाते हुए, शाई मतलब सकुचा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वे किसके बारे में सोचती है, उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंड फादर्स मतलब उनके दादाजी के दादाजी जाया करते थे। वो किस तरीके की स्कूल के बारे में सोच रही है, जिस स्कूल में उसके ग्रैंड फादर्स मतलब दादाजी के भी दादाजी जाया करते थे। वॉज अ लिटिल बॉय, और जब उसके वो दादाजी के दादाजी क्या थे, छोटे बच्चे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आस पड़ोसी से, नेबरहुड आस पड़ोस के बच्चे जो होते थे सभी वहाँ आ जाते हैं। केम लाफिंग एंड शाउटिंग, लाफिंग मतलब खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, कहाँ पर, इन द स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते हैं, कहाँ पर, स्कूल रूम में। तो ये जो बच्ची है मार्गी छोटी सी, she is thinking about the old schools where when her grandfather was a little boy, मतलब उस स्कूल के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। एंड व्हेन ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाया करते थे, देन क्या होता था, ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम टुगेदर लाफिंग एंड शाउटिंग, एक साथ ही लाफ करते, हंसते, मतलब खेलते, कूदते, मुस्कुराते, एक साथ स्कूल के जो स्कूल यार्ड है या स्कूल का जो क्लासरूम है उसमें वो बैठते। तो बड़ा ही अच्छा लगता होगा, मतलब ये माइंड में सोच रही है कि वो जो ओल्ड स्कूल्स थी उनमें क्या दिन थे और आज में क्या चेंजेस आए हैं। दैट मीन्स आज अभी एक बच्चे की एक स्कूल, दैट मीन्स उसका एक छोटा सा क्लासरूम, उस क्लासरूम में कंप्यूटर्स हैं, रोबोटिक टीचर्स हैं, वही उसको पढ़ा रहे हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सारे बच्चे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जब स्कूल का जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, देन आफ्टर ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू देयर होम ऑल टुगेदर, सारे के सारे क्या जाते हैं, एक साथ ही जाते हैं, तो कितना मज़ा आता है। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारे के सारे एक ही चीज़, मतलब सेम चीज़ सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, होमवर्क में भी क्या करवा देते हैं, हेल्प करवा देते हैं। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में क्या करते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। एंड और द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर हैं वो कौन थे, सबसे बड़ी बात वो लोग थे, और जबकि यहाँ पर जो टीचर्स हैं इन बच्चों के वो कौन है, वो मशीन है, रोबोटिक टीचर है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, फ्लैशिंग कर रहा था, दैट मीन्स दिख रहा था, चमक रहा था। वैन वी एड फ्रैक्शन, जब हमने क्या किया, फ्रैक्शन को ऐड किया, फ्रैक्शन क्या है, 1/2 and 1/4, इनको हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में, दैट मीन्स पुराने स्कूलों में किस प्रकार जो बच्चे थे अपने पुराने स्कूलों में कितना मज़ा लिया करते थे, किस तरीके से वो लर्न किया करते थे और उनको कितना एन्जॉय आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसी फन के बारे में बात कर रही है जो वो कर चुके हैं, मतलब ऐसा मनोरंजन
जो स्कूल में सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, मान लीजिए आप क्लास में कितने भी बच्चे हों, दैट मीन्स आप 50 हो, नियर अबाउट 100 हो, सारे बच्चे रोज़ स्कूल आते हैं, डेली एक साथ बैठते हैं, एक साथ जब छुट्टी होती है तो जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कितना उन्हें एंजॉय मिलता है स्कूल में आने पर। लेकिन जब घर पे बैठ के आगे जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसमें अगर घर पे बिठा के बात की जाए उस वर्चुअल क्लासरूम्स की, ऐसे क्लासरूम जिनमें क्या होता है, एक बच्चा होता है सिर्फ, और आस पास आपकी मशीनें होती हैं, मशीन्स होती हैं, रोबोटिक टीचर्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, स्क्रीन होती है, उस पर आप सीख रहे होते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम और आपकी स्कूल के बारे में, स्कूल के क्या क्या डिफरेंस हैं वो इसमें बताए गए हैं। कितना मिस कर रही है वो उन ओल्ड स्कूल्स को, ओल्ड डेज के स्कूल्स को, जब उसके ग्रैंडफादर्स के ग्रैंडफादर जाया करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर है वो अभी आपका एंड हो चुका है। यहाँ से के बाद we will solve exercises of the chapter first, thinking about the text. Calculate how many years and months ahead from now Margie's diary entry is. आप calculate कर सकते हैं, अभी date है, आज की date से जो date है book में 17 May 2157 की date है। ठीक है, आप check कर सकते हैं, एक बार note down कर लीजिए, एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज फर्स्ट एक्सरसाइज इज सेइंग टू अस और आस्किंग टू अस, क्या पूछ रही है हमसे, व्हाट इज ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। आप क्या कर सकते हैं कि जो आंसर्स दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं बहुत ही कम शब्दों में, फ्यू वर्ड्स या कपल ऑफ लाइन्स, मतलब एक या दो लाइन में आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। यू कैन स्टार्ट द आंसर फ्रॉम हियर, मार्गी एंड टॉमी, या आप अलग अलग भी बता सकते हैं, मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड गर्ल एंड टॉमी इज अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। राइट डाउन कर लीजिए आप मेरे साथ साथ। And Tommy was a thirteen-year-old boy. Yeah, Bob. नाउन को हटाकर आर्टिकल भी
रिमूव कर सकते हैं, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है सेंटेंस में तो आप आर्टिकल भी यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ अ आर्टिकल विदाउट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का एक रूल है। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने डायरी में क्या लिखा, वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो है डिड आया हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं, यह हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनेट की एच वी है। तो जब हम इसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राइट करना पड़ेगा अपन हमें, तो इसमें क्या है, मार्गी। अब हम क्या करना पड़ेगा कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को कैसे में चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिड तो हम लगा नहीं पाएंगे सिंपल सेंटेंस में, तो हमारी जो फॉर्म है राइट, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, रॉट कर देना होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंसेस में इस तरह से आंसर किया जाता है, जब सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट, मार्गी रॉट इन हर डायरी। आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लाइनों में ही आपको मिल जाएगा, ओके, फर्स्ट लाइन में आप चेक कीजिए, शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक, मतलब उसने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी को क्या मिल गई, बुक्स मिल गई है। मार्गी रॉट इन आर डायरी टुडे Tommy found a real book. ठीक है, तो मार्गी ने क्या लिखा था अपनी डायरी में कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, नो, मार्गी ने कभी बुक देखी ही नहीं थी। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, क्या मार्गी ने कभी कोई बुक देखी थी, नहीं, मार्गी ने इससे पहले कभी कोई बुक नहीं देखी थी। तो आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन थर्ड आंसर, मार्गी Never, Margie had never seen a book before. Margie ने कभी भी ऐसी बुक पहले देखी ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स हैव अ लुक, What things about the book did she find strange? ऐसी कौन सी चीज़ें थी उस बुक के बारे में जो उसे क्या लगी, अजीब लगी। पहली चीज़ कि उसके जो वर्ड्स थे वो क्या वो थे, पेपर पर लिखे हुए थे, प्रिंटिंग बोर्ड, प्रिंटिंग पेपर था वो जिसके ऊपर क्या लिखे हुए थे, वर्ड्स। सेकेंड कि जो वो वर्ड्स थे वो मूव नहीं कर रहे थे, राइट, एक बार चेक करते हैं कहाँ पर है, ओके, उसका आंसर लिख लीजिए आप, श्री found the
strange things about the books that there are words that stood still instead of moving. तो पहली डिफरेंट चीज़ क्या थी, स्ट्रेंज चीज़ सॉरी, कि जो बुक्स थी उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, वो वर्ड्स क्या नहीं कर रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे, क्या थे, स्टूड स्टिल, मतलब लिखे हुए थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। तो सबसे स्ट्रेंज चीज़ यही थी उसकी जो उसको बुक्स के बारे में लगी। मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। व्हाट इज इट आस्किंग फॉर, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, आप क्या समझते हैं कि एक जो टेली बुक होती है वो क्या होती है। इस जो टेलीविज़न पर जो बुक्स थी, टॉमी जो कह रहा था कि आप इस बुक्स को क्या करिए, थ्रो अवे कर दीजिए, मतलब फेंक दीजिए। लेकिन मार्गी क्या कह रही थी कि मैं इसे पसंद नहीं करती, बट डजंट मीन दैट आई विल थ्रो इट अवे, मैं इसे आगे फेंक दूँ, मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ। तो उस टेली बुक के बारे में आपको फोर्थ तक मैं करवा चुका हूँ, फिफ्थ सिक्स और सेवन आपको खुद ही फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको और इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चंस को। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इज ऑल अबाउट टेली बुक, सिक्स क्वेश्चन किस बारे में है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, मार्गी की स्कूल कहाँ थी, उन्हीं के घर पे थी, नेक्स्ट टू द बेडरूम, और डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था, नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स। व्हाट सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, अभी जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट थे जो मार्गी और टॉमी सीखते थे। जो चैप्टर में सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। मैकेनिकल जो टीचर था वो ज्योग्राफी सेक्टर था, और एक और टीचर था जो क्या करता था बेटा, सब्जेक्ट हिस्ट्री सेक्टर लेता था वो, ठीक है। तो दो ही सब्जेक्ट बताए गए इसके अंदर, तो ये आप कीजिएगा एज ए होमवर्क। आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द डे, वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।